Hello friends, welcome to my channel. This is Dilip Rajputa and here today we are representing the Sun Temple, Modhera, in Gujarat near to Patan. Let's see. Modhera Sun Temple. ये पुष्पावती नदी के तट पे स्थित है। इसका एज करीबन 27वीं सदी के चालुक्य राजा मतलब सोलंकी वंश के कुल के राजा भीमदेव एक के दौरान शासनकाल के दौरान हुआ था। ये पुराना मंदिर है और यहाँ पे जो फेस्टिवल होता है वो स्पेशली डांस फेस्टिवल होता है और आपने सुना होगा या देखा होगा हेमा मालिनी जी जो है वो भी यहाँ पे हाँ नृत्य के तौर पे यहाँ पे बहुत सारा रिप्रेजेंट दो या तीन बार किया हुआ है, आप उसको देखने को मिलेगा। तो आइए हमारे साथ हमने देखते हैं सन टेम्पल किस तरीके उसका ढांचा है, कलाकृति क्या है, फिर पानी का रिजर्व टैंक है वो किस तरीके से, अंदर मूर्तियां भी है कई ज्यादा इसमें खंडित हो गई है फिर भी देखेंगे किस तरीके से क्या है। तो आइए हमारे साथ हम देखते हैं। The Sun Temple is Hindu temple dedicated to Surya Devta. यहाँ पे बहुत सारी कलाकृति है जो खंडित हो चुकी है फिर भी अपने आप में बहुत ही सुंदर है। मंदिर परिसर में तीन घटक है, गुड मंडपा, धर्मस्थल हॉल, सभा भवन एंड जलाशय कुंड। यहाँ पे आप देख रहे हैं वो है जलाशय कुंड। चारों तरफ से कई ज्यादा मूर्तियां, मंदिर और स्टेप से जुड़ा हुआ है। यहाँ की विजिटिंग आवर सुबह मॉर्निंग 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक रहता है। हालांकि यहाँ पे कोई कैंटीन वगैरह है नहीं, बाहर है, आप ले सकते हो अच्छा खासा भोजन। और पास में एक मंदिर भी है, धर्मशाला भी है जहाँ पे आप रुक सकते हो और खाना भी खा सकते हो।
देखा कैसा था। यहाँ पे आने के लिए बहुत ही सिंपल सा वे है, आप अहमदाबाद से हो तो अहमदाबाद से डायरेक्टली मेहसाणा आ सकते हो, और मेहसाणा से आप मे बी यू नो 30 किलोमीटर है, तो मतलब एक घंटे में इजीली यहाँ पे पहुंच सकते हो। बाहर पे 25 रुपीज टिकट है पर पर्सन फॉर इंडियन के लिए और 300 रुपीज फॉर फॉरेनर के लिए। कार का पार्किंग की बहुत अच्छी सी जगह है यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा कि मंदिर के तीन स्थल है, मेन घटक मेन तत्व तो ये है, उसका सबसे महत्वपूर्ण गुड मंडपा यानी कि मेन मंदिर ये ही है, राइट। जो फिलहाल अभी तो बंद था, मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाया हूँ, बाहर से दिखा पाऊंगा। और जो दूसरा घटक है वो है हॉल सभा यानी कि ये, राइट। और तीसरा जो मैंने कहा था वाटर रिजर्व, राइट, तो वो पहले ही हमने देख लिया था, तो वो चीज है। तो तीन घटक से ये पूरा का पूरा मोढेरा मंदिर बना हुआ है और ये पुष्पावती नदी के तट पे है। कि यहाँ के हर एक कृति में एक अलग सी स्टोरी छुपी हुई है, जैसे कि रामायण और कृष्ण भगवान की, महाभारत, अलग अलग सभी स्टोरी यहाँ पे।